जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। वृश्चिक राशि को अगस्त 2017 में होगा अच्छा आर्थिक लाभ। जानिए अपना मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि वालों को अगस्त 2017 में होगा बड़ा आर्थिक लाभ। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के अच्छे संयोग भी बनेंगे। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके वैवाहिक व प्रेम संबंध के बारे में, साथ ही अगस्त के महीने के लिए उन्हें एक सलाह भी देंगे। सामान्य तौर पर बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, साथ ही उनके आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और साथ ही उनके भाग्यशाली अंकों के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में। वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है। मौसम की बीमारी हो सकती है, रक्त संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए मौसम की बीमारियों से सावधान रहें और बीमारियों की देखभाल समय समय पर करते रहें। अब हम बात करते हैं उनके विवाह और प्रेम संबंध के बारे में। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो उनके सप्तम भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में है, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन अति श्रेष्ठ रहेगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और घूमने फिरने के लिए भी इस महीने आप कहीं बाहर जा सकते हैं। आपके लिए वैवाहिक जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर रहेगा। यदि किसी की विवाह की चर्चा चल रही है वृश्चिक राशि वालों की, तो वो इस महीने फाइनल होने का योग बन रहा है। हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि वाले सभी काम में श्रेष्ठ फल मिले, इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल गुलाब के 5 फूल आप चढ़ा दें। प्रत्येक मंगलवार को अगस्त महीने के 4 या 5 जितने भी मंगलवार हो, आप सारे मंगलवार में हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 लाल गुलाब चढ़ा दें। इससे आपके सारे काम बनने लगेंगे। सामान्य तौर पर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों का जो लग्न में है, प्रारंभ के समय शनि और चंद्र की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा आपको तनाव रह सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकता है, परिवर्तन के कुछ योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी पार्टनर के साथ काम करना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहें और सावधानी पूर्वक आपको काम करने की आवश्यकता है। फिर भी इस महीने आपको अच्छा लाभ, वो भी अचानक होने वाला है। आय भाव में गुरु स्वयं बैठे हुए हैं और बुध की स्थिति, जो आय भाव की स्वामी है वो बुध, वो दशम भाव में बैठा हुआ है। इसके कारण आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। धन लाभ के आपके बहुत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। यदि भाग्य स्थान की बात करें तो वहाँ पर सूर्य और मंगल की स्थिति बन रही है। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और मंगल सेनापति होते हैं। इस कारण आपके लिए ये बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इस महीने आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है इनके वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, तो मंगल और सूर्य दोनों ही पावरफुल ग्रह इनके भाग्य स्थान पर बैठा है। इसीलिए आपके भाग्य से आपको कोई नया काम मिलेगा और आप जो भी रुके हुए काम करना चाहते हैं वो सारे काम इन दिनों कर सकते हैं और सारे कामों में आपको गति आएगी। साथ ही साथ अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस महीने आप नया वाहन खरीद सकते हैं। नए निवेश करने के लिए भी आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। जिनके घर, मकान या प्लॉट खरीदने के विचार हैं, वो भी इस महीने खरीद सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इस दौरान जो इनकी स्थिति रहेगी, इनके चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत ही प्रबल रहेगा, इसलिए इनको भौतिक सुख सुविधाओं से संपूर्णता प्राप्त होगी। साथ ही साथ ग्रहों की अगर बात करें हम सारी स्थितियों की, तो इनके लिए लाभप्रद स्थिति बन रही है। लाभप्रद स्थिति ये है कि इनको कोई बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ कार्य मिलेगा जिसके माध्यम से आपको लाभ होगा। अगर विद्यार्थी है, पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी है तो आपको व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। खास तौर से अगर आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि बिल्कुल भी आप आंख बंद करके किसी पे विश्वास ना करें। जो भी काम करें सोच समझ कर निर्णय लेकर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा उचित लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, हालांकि उनको उच्च अधिकारियों से थोड़ा औपचारिक मतभेद की स्थितियां बन रही है, लेकिन उनके प्रमोशन अगर अटके हुए हैं तो वो होने लगेंगे और उनको धन लाभ का अच्छा संयोग भी बन रहा है। आय के स्रोत इस महीने बढ़ने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो स्थितियां अनुकूल हैं।
और उनके लिए सब प्रकार से ठीक योग बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों की अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें तो उनके चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है और दसम भाव में बुध राहु का संयोग बना हुआ है। इसके कारण राहु केतु थोड़ा पारिवारिक रूप से अर्थात माता पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित कर सकता है। भाई बंधुओं से आपको सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलता ही रहेगा, साथ ही भाइयों का तो आपको साथ मिलेगा ही। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, उसका विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे परिवार का मन दुखे या परिवार के लोग आपसे दूर रहें। इसके लिए आपको परिवार के साथ ज्यादा सामंजस्य बनाकर रखना होगा, यह आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि वृश्चिक राशि वाले स्वयं वाहन चलाते हैं, उन्हें इस महीने सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। सावधानी के साथ साथ क्योंकि उनका जो शनि और चंद्रमा का जो युक्ति है लग्न भाव में, उसके कारण कोई चोट मोच या फ्रैक्चर इस महीने होने के संयोग बन रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इस महीने वृश्चिक राशि के खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि उनके खर्च स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो अष्टम भाव में है। इस कारण से उनके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, नए सामान क्रय कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधा होगी। घर में कोई नया फंक्शन हो सकता है जिसमें आपके खर्चे हो सकते हैं। अगस्त का महीना वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अगस्त के महीने में अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये महीना आप कोई भी काम करते हैं वो आपको बहुत ही सफलतापूर्वक फल देता है, क्योंकि ये महीना देखा जाए तो गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम का स्वामी हो के एकादश भाव में गुरु बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि पंचम पर है। इसके कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ का संयोग बन रहा है। यदि आप इस महीने शिक्षा से संबंधित कोई भी कोचिंग कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने यदि विद्यार्थी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो इस महीने आप करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का सोच रहे हैं या विदेश जाने के लिए प्रयासरत है तो अगस्त के महीने में वो प्रयास करें और ये प्रयास उनकी सफल भी होगी। वृश्चिक राशि के भाग्यशाली अंक हैं 4, 8 और 12। इन अंकों को इस्तेमाल करके आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।